أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो किसी का सवाल है। किसी खातून ने मुझसे कमेंट्स में ये सवाल पूछा है, उसकी वजाहत मैं आपके सामने करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा ताकि इस तरह के तमाम मामला तमाम मसाइल जो आप हमसे पूछते हैं वो हम आपको बता सके और आपकी बेहतर रहनुमाई की जा सके। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की जानी बढ़ेंगे कि मंगेतर के साथ क्या कॉल पर बातें करना, गलत बातें मतलब सेक्स की बातें करना या वीडियो कॉल पर सेक्स करना क्या सही है या नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस काम को हराम करार दिया है वो किसी सूरत भी हलाल नहीं हो सकता, जायज नहीं हो सकता, फिर चाहे वो सूरत हाल कोई भी। मंगेतर तो होता ही आपके लिए नामहरम है, तो इसके साथ या किसी भी तरह के मसाइल उसके साथ रखना, किसी भी तरह की गुफ्तगू उसके साथ रखना जायज नहीं। और तो ये एक मसला तो बाद में आता है, एक उसूली बात आप ही समझ लीजिए कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि दो नामहरम आपस में बात नहीं कर सकते, कोई ताल्लुक नहीं रख सकते, तो इस तरह के मामलात तो बात की बात है। पहले एक दूसरे को देखना भी ये गलत है, बेपर्दगी नहीं हो सकती किसी भी तरह। अच्छा, अब टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें कि मंगेतर के साथ हमने सेक्स की बातें फोन पर की तो ये किस तरह से जायज है, ये कैसी हम सोच रखते हैं अगर हम बातें करते हैं या जो हमारे ख्वाहिशात है अंदर की, जो हमारी आग लगी हुई है, हम उस तरह के मामलात वाली बातें करते हैं अपने प्यासी से, तो ये बिल्कुल 100% हराम काम है। आप वो अमल कर नहीं रहे लेकिन उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे आप गलत और बहुत ज्यादा गुनाह की तरफ कर रहे हैं, वो काम आप गुनाह वाला कर रहे हैं। ये तमाम चीजें वही बात के इस्लाम की दूरी की वजह से हो रही है। जब हम इस्लाम से इतनी दूरी इख्तियार कर बैठे हैं तो ये तमाम मामलात आग पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुन्नत नबवी पे अमल करें, उस राह पर चले जो हमें जिसका हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, तो फिर हम इस तरह के मामलात करके किस तरह अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर रखेंगे, किस तरह से अपने अल्लाह को नाजिर नाजिर रखें, हम किस तरह के ये मामला अपने पेश करेंगे जब हम इस दुनिया पानी से चले जाएंगे। हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, तो इसकी इस रंगीनियों में इतना आप ना पड़े कि आप अपनी दर हकीकत जिंदगी को भूल जाएं जिसके लिए आपको पैदा किया गया। और ये मामला तभी होते हैं जब हम एक बहुत लंबा गैप ले लेते हैं, इस्लाम की राह से भटक जाते हैं और दूसरे गंदे कामों की तरफ माइल हो जाते हैं। मेरी गुजारिश है आप तमाम देखने वाले और सुनने वालों से कि आपको इस तरह के मामला जब पेश आते हैं, जब आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं, आपके दिल में से ये खौफ फिर खुदा खत्म हो जाता है, तो खुदारा अपनी जिंदगियों में इस तरह के मामला ना होने दीजिए कि जिससे अल्लाह आपसे नाराज हो जाए और आपके लिए सख्त अजाब वाली जिंदगी पैदा कर दे या बाद में इसका सब बदलाव आपके लिए तैयार रखा गया है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से इस तरह के टॉपिक्स आप जो पूछता है वो खुद भी बचिए और दूसरों के साथ ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उसको अंदाजा हो कि वो कितना बड़ा गुनाह सरजद कर रहा है, अपनी जिंदगी को किस मुकाम पे ले जा रहा है। अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। हराम काम को किसी भी सूरत किसी भी तरह आप कहें कि वो सही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जो काम हलाल नहीं वो हलाल हो जाए। तो आपको इस सवाल का बखूबी जवाब मिल गया होगा कि फोन पर नामहरम जो है आपका फियांसी उस शख्स से इस तरह के तमाम मामलात की बातें करना या वीडियो कॉल पर इस तरह के मामला पेश करना ये सख्त अजाब वाले हैं। खुदारा खुद भी इस तरह के कामों से बचिए और दूसरों को भी तलकीन कीजिए कि इस तरह की बात ना की जाए तो बेहतर है, इससे आप अपनी जिंदगी में खुशियां
रख सकते हैं, खुशी वाला मामला रख सकते हैं, नहीं तो सख्त अजाब के लिए आप यहाँ पर भी एक गंदगी करके अपने आप को इतना गुनाहों में रख रहे हैं तो वहाँ क्या हाल होगा। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक में जरूर आपके सामने हाजिर करूंगी नया टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना है अगर कोई मसाइल आपके सामने है, कोई भी बात ऐसी जो आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे पूछ, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक का लिंक है, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मुस्लिम लाइफ ऑफिशियल को, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और ख़ास तौर पे लाल बटन की घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना ना भूलिए। इस तरह आप तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ ज़रूर हाजिर होंगी। आपका जो भी सवाल होगा उसका मौजू आपको सही बेहतर रहनुमाई कर सकूँगी आपकी। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।